झुंझुनू के बुहाना की लांबी अहीर पंचायत के कानसिंहपुरा में जबरदस्ती बंद कराए गए नाली निर्माण को चालू करने पहुंची सरपंच नीरू यादव से बदसलूकी और हाथापाई करने का मामला सामने आया है। सरपंच का आरोप है कि जब वो पचेरी कला थाने में थानाधिकारी को रिपोर्ट देने गई तो 2 घंटे तक रिपोर्ट नहीं ली। वो 2 घंटे तक पुलिस थाने में बैठी रही। सरपंच ने थानाधिकारी पर जातिवाद का भी आरोप लगाया है। एसपी को फोन कर अपनी पीड़ा बताई। जब जाकर कहीं उसकी शिकायत सुनी गई तथा रिपोर्ट लेकर मारपीट व राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि लांबी ग्राम पंचायत के गांव कानसिंहपुरा में पंचायत द्वारा चलाए जा रहे नाली निर्माण को जोर जबरदस्ती बंद करवाया गया, जिसको वह मौके पर पहुंचकर चालू करवाने गई तो वहां पर मौजूद युवराज पुत्र भगवान सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा गलत शब्दों का प्रयोग किया। इसके साथ संदीप पुत्र भगवान सिंह विजेश भंवरी देवी ने मिलकर उसके साथ वो उसके चाचा अर्जुन व लाभ सिंह के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर देर शाम को दूसरे पक्ष के भगवान सिंह ने भी पुलिस थाने में परिवाद दिया है। मैं अपनी पंचायत के अंदर ग्राम कानसिंहपुरा के अंदर नाली निर्माण का कार्य चल रहा था। उस कार्य को देखने के लिए मैं जब मौके के ऊपर गई तो वहां पर उपस्थित कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार किया। मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ा और मेरे साथ छीना झपटी उन्होंने की, जिसका मेरे पास बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड है। उस शिकायत को लेकर जब मैं थाने पहुंची तो थानेदार ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। बाकायदा सबूत होते हुए उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि थानेदार राजपूत है और जो जो घटनाक्रम हुआ है और जिस प्रकार से मेरे साथ जिन लोगों ने छीना झपटी और मेरी लज्जा पर जिन्होंने हाथ डाला, ये लोग भी राजपूत है। इसलिए उसने पूरा जातिवाद इस चीज के अंदर दिखाया और 3 घंटे तक मुझे वहां पर बैठाए रखा। एज ए सरपंच होते हुए जब मेरी FIR दर्ज नहीं की गई, राजकार्य में उन्होंने बाधा डाली, उस चीज को भी दर्ज इन्होंने नहीं किया। बाकी मुझे ही उन्होंने 3 घंटे तक गुमराह किया कि आप समझौता कर लीजिए, या अगर मेरे ऊपर भरी पंचायत के ऊपर कोई इस प्रकार से हाथ डाले, कोई लड़का जो हाथ पकड़ता है तो आप ये बताइए किस प्रकार से मैं उससे समझौता कर लूं। जब एक सरपंच सुरक्षित नहीं है इस माहौल के अंदर और उसकी FIR दर्ज नहीं होती तो आम जनता किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है। मेरा प्रशासन के उच्च अधिकारियों से यह अनुरोध है कि इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान मिले। थानेदार ने FIR दर्ज नहीं की। मैंने SP साहब को फोन के ऊपर इस बात के लिए सूचित किया। जब SP साहब ने इसमें इंटरफेयर किया तब जाकर उसने FIR दर्ज करने के लिए वो तैयार हुआ और उसके बाद अब वो मुझे मेडिकल के लिए घुमाने लग रहे हैं कि आपका मेडिकल। अगर भरी पंचायत के अंदर एक औरत को कोई अपशब्द भी बोलता है या उसके उसके दुपट्टे पर भी हाथ डाल लेता है तो क्या वो नारी लज्जा के अंदर नहीं आता? क्या उसका दुपट्टा, वो कहते हैं कि इसका भी क्या दुपट्टा उतारने का भी कोई मेडिकल होता है? पूरे पंचायत के अंदर उन्होंने मुझे बेइज्जत किया लड़कों ने, और सारे पुरुष उसके अंदर शामिल थे और मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है हर चीज की कि वो किस प्रकार से मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, मेरे को अपशब्द बोलने लग रहे हैं और उसके बाद भी मेरी कोई सुनवाई थाने के अंदर नहीं हुई। तो मेरा प्रशासन के उच्च अधिकारियों से है कि इस मामले को तुरंत और सही दिशा के अंदर संज्ञान मिले। मैं प्रशासन के सभी उच्च अधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि इस मामले को संज्ञान के अंदर ले, क्योंकि एक छोटा मामला नहीं है। एक महिला सरपंच पर सरपंच के साथ का पूरे गांव के बीच में इस प्रकार से अभद्रता जिस लड़के ने की है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरा प्रशासन से यह अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। जब सरपंच महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिला की सुरक्षा की को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे? तो मेरा प्रशासन के सभी उच्च अधिकारियों से यह अनुरोध है कि मेरी इस चीज को